Good evening, everyone. If I am audible to you, please let me know. It's good evening, Lakshita, Yagya, Sanat, Ananya. Good evening. Good evening, Kumkum. MJ Gaming. Good evening, बच्चे. Okay. I hope I am audible to you. ठीक है? बता एक बार जरा. आवाज आ रही है मेरी? चैट में जल्दी. Good evening. Good evening, Kavya. Sahil. हाँ जी. Okay. So welcome to Head Start Education. In this video, what we are going to study. As we are learning chapter 6 life process of your science subject. So in this video we are going to discuss nutrition in animals. ठीक है. In the last class what we have learned about nutrition in plants, that how they make their food, how they get their energy. In the case of animals the process is slightly different. So I will be your host for today. My name is Aman Singh. I am B.Tech in civil. Let's start the session. But before the session, first some promotion. So अगर आप मुझसे connect होना चाहते हैं तो Instagram पे Head Start Us search कीजिए. इस तरीके का logo मिलेगा. ठीक है, ये channel है. यहाँ पे link तो नहीं, पर हाँ updates मिल जाती है. Facebook पे भी आप connect हो सकते हैं. Channel है Head Start Us. ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बताया गया है, दिया गया लिंक. और टेलीग्राम पे अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हेड स्टार्ट मी सर्च करेंगे, अदरवाइज उसका भी लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है आपके डिस्क्रिप्शन चैनल में. ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. मतलब वो प्रोसेस जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर लेता है, फिर उसे डाइजेस्ट करता है, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, उस डाइजेस्टेड फूड में से एनर्जी को या फिर बोला जाए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद उससे एनर्जी बनाता है और उस एनर्जी का यूज़ करता है अपनी बॉडी में, उसे क्या कहते हैं हम? न्यूट्रिशन कहते हैं. तो न्यूट्रिशन में बेसिकली 5 बेसिक आपके स्टेप्स होते हैं. वो 5 बेसिक स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है इंजेशन. इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड. ठीक है, फूड का अपनी बॉडी के अंदर ले जाना. नेक्स्ट, व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन का मतलब होता है ये जो फूड हम अपनी बॉडी में ले जा रहे हैं ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स फूड है, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े हैं. इस बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स को हमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है, तो दैट इज नोन एज व्हाट? डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब है ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है इसे कन्वर्ट करना किसमें? सिंपल फूड के अंदर. ठीक है, फिर होता है एब्जॉर्प्शन. ये जो हमारा सिंपल फूड जो टूटा उसे क्या करना? अपने ब्लड के अंदर भेजना, ब्लड स्ट्रीम्स में, ब्लड वेसल्स के अंदर इस सिंपल फूड को भेजना कहलाता है एब्जॉर्प्शन. आप जो आपको पता है एब्जॉर्प्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? फिर होता है एसिमिलेशन. ये जो हमारा सिंपल फूड है इस सिंपल फूड से क्या क्रिएट करना? एनर्जी बनाना. ठीक है, इस फूड की तोड़ के या इस फूड के ऊपर केमिकल रिएक्शंस करके इससे एनर्जी क्रिएट करना. और वो एनर्जी हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के, चाहे वो फिर चाहे आपके जो आप ये फंक्शंस हैं जैसे कि मूवमेंट, वॉकिंग, टॉकिंग, जितने भी है वो एनर्जी उसमें खर्च हो जाती है. और लास्ट जितना भी हिस्सा डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ठीक है, जो भी हमने खाना खाया था, ज़रूरी तो नहीं है सारा डाइजेस्ट हो गया, तो जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल देना. ठीक है, थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बॉडी से बाहर निकाल देना. ठीक है, थ्रो आउट कर देना. इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम एजेशन कहते हैं. आगे अब जरा एक एक करके इनके बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं. सबसे पहला है इंजेशन. इंजेशन क्या है? ये वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा
कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेके जाता है, इस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। ये एक 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 नंबर की डिफाइन आ जाती है आपके उसमें सिलेबस में या एग्जाम में, तो ये याद रखनी है आपको। और ये सब आपने क्लास 7th में पढ़ रखा है, तो कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। कुछ चीज़ें जो हार्ड आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा, कुछ चीज़ें जो आपको अलग से याद रखनी है वो मैं आपको बता दूंगा। सिद्धार्थ, प्रज्ञा, गुड इवनिंग। दुष्यंत, हर्ष, कनक, गुड इवनिंग। गुरलीन, संजना, गुड इवनिंग बच्चे। चलो पढ़ते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन का मतलब होता था, इंजेशन मैंने बताया आपको, डाइजेशन का मतलब होता है जो हमारा फूड होता है वो लार्ज होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल मतलब पानी में घुलता नहीं है वो फूड। इस फूड को हमें सिंपल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, किसकी हेल्प से? कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस मतलब वो लिक्विड, वो जूसेस जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे, इसी पूरे प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। ज़्यादातर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में फिजिकल और केमिकल दोनों ही तरीके से क्या होता है? डाइजेशन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारा जो फूड होता है वो ऐसा तो नहीं सीधे निगल लेते हैं, क्या करते हैं? हम उसे च्यू करते हैं। च्यू मतलब चबाते हैं, तो ये कहलाएगा फिजिकल डाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद जब ये हमारे स्टमक में जाता है तो ये छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूट जाता है, इसे क्या कहते हैं? केमिकल डाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? कोई बात नहीं रजत, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें ये जो हमारा सिंपल वाटर सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, पेट से हमारी वेसल्स में चला जाता है, ये सॉरी इंटेस्टाइन से हमारी वेसल्स में चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है, दैट इज नोन एज व्हाट? एब्जॉर्प्शन। उसके बाद ये जो एब्जॉर्ब फूड है इसको हम क्या करते हैं? तोड़ के इस पे केमिकल रिएक्शंस करके इससे क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। वह एनर्जी हमारी ग्रोथ में, हमारे बॉडी के रिपेयर में यूज होती है, इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। फिर एजेशन क्या है? मैंने जैसे कि बताया, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, वो फूड जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उस अनडाइजेस्टेड फूड को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, किसकी फॉर्म में? फीकस की फॉर्म में। ये फीकस क्या नया शब्द है? अरे वही चीज़ है जो हम डेली वॉशरूम में करते हैं, जो सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट होता है उसी को साइंस में क्या कहते हैं? फीकस कहते हैं। और आपके जो बायोलॉजी होती है या फिर बोला जाए डॉक्टर की लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं? स्टूल कहते हैं। तो स्टूल या फीकस के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गई आपकी एजेशन की डिफाइन। अब सबसे पहला कंडीशन या सबसे पहला जो आती है हमें बात, वो ये ध्यान रखनी है कि हम या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरीके से अपने फूड को प्रिक्योर करते हैं। अभी प्रिक्योर का मतलब क्या होता है? प्रिक्योर मतलब अपने फूड तक, अपने सारी माउथ तक कैसे लेके जा रहे हैं, या माउथ नहीं तो वो पार्ट जहाँ से फूड को अपने शरीर के अंदर एंट्री देनी है वो कैसे लेके जा रहे हैं। हम ह्यूमन बींग्स किसका यूज़ करते हैं? अपने हाथों का यूज़ करते हैं, तब जाके फूड हमारे माउथ में जाता है। अब कोई बच्चा ऐसी हरकतें ना करे कि सर मैं तो माउथ हाथ का यूज़ करता नहीं हूँ, मैं तो सीधे प्लेट के ऊपर क्या रखता हूँ, अपना मुँह रख के खा जाता हूँ, ऐसी हरकतें तो कोई कहने नहीं है, ठीक है। तो हम लोग हैंड्स का यूज़ करते हैं फूड को प्रिक्योर करने में, जिससे कि उस फूड को अपने माउथ तक ले जा पाए। इसी तरीके से पैरामीशियम या अमीबा, पैरामीशियम क्या करता है? पैरामीशियम के पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपने पढ़ा था पिछले साल मेरे से, सीलिया नाम के। ये जो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू अपने फूड को कैप्चर करता है, बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। इसी तरीके से जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि मॉस्किटो, बी, इनके पास हिंदी में बोलते हैं ना डंक होता है, वो डंक होता है, या फिर क्या बोला जाए, एक ट्यूब होती है जिसे प्रोबोसिस कहते हैं, ये आपको दिख रही है, इस प्रोबोसिस के थ्रू अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर एंट्री ले पाता है, ठीक है। तो बस इतना एक्स्ट्रा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इससे ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने, जितना स्लाइड में है मोर देन सफिशियंट है, आपको एक्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है इसके बाद, ठीक है, उसके क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। अब सबसे पहले सबसे इजी पार्ट पढ़ते हैं जो आप पढ़े हुए हो पहले ही, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा किस तरीके से अपने बॉडी को न्यूट्रिशन देता है? हेलो आदित्य, अमीबा क्या करता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा अमीबा की जो सेल वॉल होती है, सॉरी सेल वॉल नहीं होती अमीबा में, अमीबा में क्या होती है?
सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या पढ़ रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब है वो अपनी जो शेप होती है उसे क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, अपनी शेप को चेंज कर सकती है। इस वजह से क्या करता है ये अमीबा, क्या करता है ये अमीबा, अपने हाथ या पैर जैसे इस तरीके के स्ट्रक्चर बाहर निकालता है अपनी बॉडी में से। अब बॉडी में से बाहर नहीं निकालता है, अपनी सेल वॉल को ही, अब सॉरी अपनी सेल मेम्ब्रेन का ही शेप चेंज करके उसे इस तरीके की शेप में कर देता है। और जो ये स्ट्रक्चर बाहर निकले, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। एक और नाम है इसका, सूडोपोडिया की जगह क्या बोलते हैं हम इसे, फॉल्स फीट भी बोला जाता है। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। और धीरे 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 अपने फूड को, अपने शिकार को ये क्या करता है, एनगल्फ करने की कोशिश करता है, उसे अपनी बॉडी के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। जैसा कि देख रहा है आपको, ये इसने अपना ये जो सूडोपोडिया उससे इस पूरे फूड को घेर लिया और क्या कर गया, अपनी बॉडी के अंदर लेके चला गया, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, अब जब ये जब फूड इसकी बॉडी में चला गया तो यही पार्ट कहलाएगा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल मतलब वो वाला हिस्सा जिसके अंदर फूड भरा हुआ है, खाली जगह थी जहां पे उसमें फूड चला गया और उसके अंदर क्या भरा हुआ है आपका, फूड पार्टिकल। तो इंजेशन किया उसने इस वाले फर्स्ट स्टेप में, अब क्या होगा, अब होगा क्या, इसके साइटोप्लाज्म में, अमीबा का जो ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम या लिक्विड्स या केमिकल्स होंगे, जो केमिकल्स इस फूड को, जो अंदर फूड है उसको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट का मतलब बार बार मैं बता रहा हूँ, क्या कर देंगे, सिंपल कंपाउंड में तोड़ देंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देंगे, ठीक है, उस फूड को। किस फूड को, जो अमीबा ने बाहर से अपने बॉडी के अंदर लेके आया है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे ये पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, इसमें से, इस फूड में से जो एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी इस अमीबा के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। आपको याद होगा डिफ्यूजन कहाँ यूज होता था, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये जितने भी, ये जो आपका फूड है, ये वाला जो फूड है, ये फूड क्या करेगा, ये जो फूड ब्रेक डाउन हुआ इसके सिंपल कंपाउंड्स इस अमीबा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट है उसे वो अपनी बॉडी से रिमूव कर देगा, बाहर भगा देगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे एजेशन। एजेशन तो सबसे पहले उसने क्या किया, इसमें इसने किया फर्स्ट स्टेप के अंदर इंजेशन, बॉडी के अंदर फूड को लेके गया। फिर क्या किया उसने सेकंड स्टेप में, इस सेकंड स्टेप में उसने अपना क्या किया, डाइजेशन किया, उस फूड को तोड़ा। तीसरे स्टेप में क्या किया उसने, एब्जॉर्ब किया उस खाने को अपने शरीर के अंदर, तो हो गया एब्जॉर्प्शन। फोर्थ में क्या हुआ, इस खाने को जो इसने एब्जॉर्ब किया था इसको यूज करते हुए एनर्जी बनाई, दैट इज एसिमिलेशन। और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट उसकी बॉडी में रह गया जो बेकार है, जिसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया, हो गया एजेशन। एजेशन ठीक है, क्या अमीबा समझ में आ गया, न्यूट्रिशन अमीबा बताओ मुझे। अब आपको ध्यान रखना है ये अमीबा के बारे में है कि अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ज्यादा छोटा सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड्स में, पूल्स में पाया जाता है। ये क्या खाता है, छोटे छोटे प्लांट्स या एनिमल्स खाता है जो पानी के अंदर तैरते रहते हैं। ये किस तरीके का फूड खाता है, क्योंकि ये सॉलिड फूड खाता है, और हमने पिछले ही सेशन में पढ़ा था जो सॉलिड फूड खाते हैं उनका न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और ये अमीबा जिस प्रोसेस के थ्रू अपने खाने को क्या करता है, प्रोक्योर करता है, इकट्ठा करता है, अपनी बॉडी में लेके जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। उन दो हाथ को नहीं बोलते, उन दो हाथ को तो सूडोपोडिया कहते थे, जिससे वो खाने को क्या करेगा, एनगल्फ करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। आगे ये जो अमीबा है ये अपनी कॉन्स्टेंटली शेप चेंज करता रहता है, जिससे इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं, जिन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं। और इन्हीं सूडोपोडिया का यूज करता है वो बॉडी के लोकोमोशन, लोकोमोशन में, लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट में, ठीक है, और खाने को कैप्चर करने के लिए। जैसे ही ये खाने को कैप्चर करता है इसके अंदर बन जाता है फूड वैक्यूल, और ये फूड वैक्यूल जब बन जाता है तो इसके साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं, वो इस खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं,
ठीक है, और डाइजेस्ट करने के बाद, इस फूड को डाइजेस्ट करने के बाद क्या कहते हैं हम इसे, ये जो फूड है जो डाइजेस्ट हुआ, इसी को ये जो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। लक्षिता बिल्कुल सही आपने पूछा, मैंने आपको एंडोसाइटोसिस भी पढ़ाया था, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस और ये जो है एंडोसाइटोसिस सबके लिए होता है, और फेगोसाइटोसिस बोला जाए वो भी यही काम करता है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। आपने बिल्कुल अच्छा याद है आपको, एंडो साइटोसिस मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, अमीबा जिस तरीके से अपने फूड को प्रोक्योर करता है उसी को एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। एंडो का मतलब भी क्या होता है, सेल होता है, ठीक है, और फैगो का मतलब भी वही हो गया, ठीक है, एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था सीलिया प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, और इन सीलिया का यूज करते ही ये पैरामीशियम अपने खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है, ठीक है। बस बाकी सारे स्टेप वही हैं, जैसे फूड इसके अंदर जाएगा केमिकल्स अंदर जाएंगे, इसमें डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा और वो होगा, बस इसमें इतना ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अब हम ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करते हैं, ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये प्रिपेयर भी करना है, ठीक है, इसको याद करना है ड्रॉ करके 2-3 बार। तो ये जो पूरा डायग्राम है ये हमारे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। हम ह्यूमंस में जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, तो हमारा माउथ आता है सबसे पहले, जिसके अंदर क्या होते हैं, टीथ, टंग होते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, फूड पाइप आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस। अब आपको पता होगा या आपने पढ़ा होगा, जो हमारा माउथ होता है यहाँ से 2 पाइप निकल रहे होते हैं, ठीक है। एक पाइप आपका क्या होता है, विंड पाइप होता है, विंड का पाइप होता है, और दूसरा आपका होता है फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप। अब स्टार्टिंग में ओपनिंग क्या है, एक है, तो जो भी हमने खाना खाया वो विंड पाइप में जाएगा या फूड पाइप में जाएगा, ये ऐसे ही नहीं चला जाता अपने पास। उसके लिए क्या होता है, एक मस्कुलर पार्ट होता है हमारे गले के अंदर, इस मस्कुलर पार्ट को क्या कहते हैं, इस मस्कुलर पार्ट को एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस क्या है, एक ढक्कन की तरह, जब उसे पता रहता है, क्या पता रहता है, जैसे ही खाना बॉडी के अंदर एंट्री लिया तो उसे कहाँ भेजना है, फूड पाइप में भेजना है, और जब एयर बॉडी के अंदर आती है तो वो हट जाता है और एयर चली जाती है विंड पाइप में। ये दोनों कंडीशन होती हैं, और कभी कभी आपने नोटिस किया होगा हमें खाना खाते हुए हिचकी आने लगती है, तो अब बोलते क्या है कि कोई हमें याद कर रहा है, हमें कोई याद नहीं कर रहा होता, हम किसी को याद करते हैं तब ऐसा होता है। क्या कहना चाह रहा हूँ समझो, हम जब किसी को याद कर रहे होते हैं ना, या हमारा दिमाग जब कहीं और लगा होता है, तो ये जो हमारा एपिग्लॉटिस होता है ये अच्छे से काम नहीं करता। अब इसे अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो हमारा विंड पाइप है और ये हमारा फूड पाइप है, और ये क्या है, स्टार्टिंग की ओपनिंग है। तो यहाँ पे जो ये एपिग्लॉटिस होता है ये एपिग्लॉटिस ढंग से काम नहीं कर पाता, या हमारा ब्रेन इसे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो जब ये फूड आता है और वो गलती से किस पाइप में चला गया, विंड पाइप में चला गया, विंड पाइप में चला जाता है, तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाता है, फंसने लगता है कभी कभी, तो हमें हिचकियां आने लगती हैं। क्यों आती है, जिससे कि हमारे को ये इशारा मिलता है कि तुमने खाना गलत जगह भेज दिया है, और फिर क्या होता है, हमें पानी पीना होता है, या फिर वो क्या होता है, कहीं फंस जाता है हमारे एपिग्लॉटिस के ढंग के काम ना करने की वजह से, जिस वजह से हमें पानी पीना पड़ता है। तो याद रखना, हिचकी आने का मतलब ये नहीं है, ये एक तरीका है बस याद कराने का, कि हिचकी आने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई याद कर रहा है, आप किसी को याद कर रहे हो, खोए हुए हो, खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ आया, माउथ के बाद ये पाइप आया जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। ये फूड पाइप कनेक्ट होता है हमारे इस स्टमक से, ठीक है, ये स्टमक हो गया जे शेप का। फिर इसके बाद ये फूड जाता है अंदर नीचे, और ये पूरा क्या है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है ये वाली इंटेस्टाइन में, जो एरो बना रहा हूँ, ये जो इंटेस्टाइन है ये आपकी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और ऐसे होते हुए पूरा जब डाइजेस्ट हो जाता है तो रेक्टम के थ्रू होते हुए एनस से बाहर निकल जाता है सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो पूरा पाइप था कहाँ से शुरू हुआ था, ईसोफेगस से शुरू हुआ था, और कांस्टेंट एक ही पाइप होता है जो पूरे में चलता रहता है,
इस पूरे पाइप को, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को, ईसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट कहाँ, एनस तक। इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, उस पूरे पार्ट को डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक वो पार्ट होता है जहाँ पे फूड वाकई में जाता है, मतलब पहले माउथ में जाएगा, फिर गले में, ईसोफेगस में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन, कौन सा वाला, स्मॉल, फिर लार्ज। इस पूरे को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक, या फिर बोला जाए एलिमेंट्री कैनाल। और इसकी टोटल लेंथ 9 मीटर की होती है। एलिमेंट्री कैनाल की टोटल लेंथ कितनी होती है, 9 मीटर की होती है, ठीक है। यज्ञ, वो जो र्यूमिनेंट्स वाला केस था बच्चे, वो मैं लास्ट में बिल्कुल बता दूंगा आपको। वो जो र्यूमिनेंट्स होते हैं, जो अपने खाना थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, पेट में कहीं स्टोर कर लेते हैं, र्यूमेन में स्टोर कर लेते हैं, जहाँ पे फिर वो दोबारा लेके उसे क्या करते हैं, चबाते हैं, वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, वो 7th क्लास में पढ़ना था। आगे बकल कैविटी। तो अब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या क्या आता है, सबसे पहले बकल कैविटी, या जिसे ओरल कैविटी कहते हैं, दैट इज ये हमारे माउथ के अंदर जो ओपनिंग में पार्ट है, उसे बोलते हैं बकल कैविटी, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म की नहीं, ह्यूमंस में 9 मीटर की होती है, ठीक है, ह्यूमंस में 9 मीटर की होती है टोटल पूरी, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, बताऊंगा आगे। फिर ये फूड कहाँ जाएगा, माउथ से होती है ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो ये पूरा कहलाए एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन डाइजेशन में इन सब के अलावा भी कोई कुछ और ऐसी चीजें भी हैं जो हेल्प करती हैं, जिनके पास फूड जाता नहीं है, जहां फूड जाता नहीं है, लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इन सबको बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी इन डाइजेशन हेल्प करते हैं। अब कैस क्या क्या है वो, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में 3 जगह पाए जाते हैं, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगे, ऑफ कोर्स सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे, इसी तरीके से लिवर होता है और पेनक्रियास, इनके पास फूड नहीं जाता है, लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आगे सबसे पहले बकल कैविटी के बारे में बात करते हैं। बकल कैविटी दरअसल हमारे माउथ के अंदर जो ओपनिंग होती है उसे कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड, 3 पार्ट आता है, टीथ, टंग और ये सलाइवरी ग्लैंड, 3 जगह होते हैं, दिखाऊंगा। इसके अंदर बकल कैविटी में क्या होता है, हमारे फूड का मैकेनिकल डाइजेशन होता है, या जिसे बोला जाए फिजिकल डाइजेशन होता है, छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगता है फूड, ठीक है। टीथ, टीथ का काम क्या है, ये फूड को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है छोटे छोटे पीसेस में, उसे च्यू करता है, ग्राइंड करता है, ठीक है। और क्या करता है, सलाइवा मिक्स करता है किसके साथ, फूड के साथ। ये वो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हमारा जो सलाइवा है वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है। 4 तरीके के टीथ होते हैं, आपको पता है, इनसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, दिखा देता हूँ, ठीक है। इनसीजर आगे के ये जो 4 दांत हैं, ये आपके इनसीजर हो गए, 4 होते हैं। फिर क्या होते हैं, कैनाइन, शार्प होते हैं ना एकदम, वो हो गए कैनाइन, 2 होते हैं। फिर होते हैं प्री मोलर, कितने होते हैं प्री मोलर, 1 और 2, सर्कल से ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 और 2 इधर और 1 और 2 इधर, तो टोटल कितने प्री मोलर हैं, 4। और लास्ट में आपके पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या होते हैं ये, मोलर, ठीक है। तो 4 तरीके के दांत होते हैं, इनसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। आपने कभी माउथ ओपन करके मिरर में देखा होगा तो आपको एक मस्कुलर पार्ट लटका हुआ दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं, उल्वा, ठीक है, क्या बोलते हैं, उल्वा। आगे बस इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, इतना भी है नहीं, ओके। नेक्स्ट इज टंग। टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच होती है हमारे बक्कल कैविटी से नीचे, और ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह। इसका मेन काम क्या है, सलाइवा को मिक्स करना फूड के साथ, फिर फूड को पुश करना और स्वेलो करना, ठीक है, निगलना, फूड पाइप तक ले जाना। फूड पाइप तो यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने के लिए कौन हेल्प करता है, टंग हेल्प करती है। हमारी टंग पे ना छोटी छोटी टेस्ट बर्ड होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैस्ट्री रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्री रिसेप्टर्स। ये गैस्ट्री रिसेप्टर क्या करते हैं, परसीव करते हैं सेंस ऑफ टेस्ट, ये आपने पढ़ रखा है। मतलब इन टेस्ट बस से ही हमें क्या मिलता है, टेस्ट
टेस्ट मिलता है। थैंक यू प्रियंका मैम। आगे हमारी जो टंग है, वो टंग जो है उसमें आपको पता है अलग अलग एरिया अलग अलग उसके लिए, किसके लिए? टेस्ट के लिए। ये वाला हिस्सा जो है वो स्वीट पार्ट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, सॉल्टी पार्ट का सबसे अच्छा ये पार्ट होता है, सोर जो खट्टा होता है वो यहाँ पे, और बेटर जो है वो इधर। ठीक है, ये ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको टेस्ट ये वाला मिलेगा। यहाँ पे चीनी अगर खा रहे हो तो सबसे ज़्यादा टेस्ट कहाँ पे मिलेगा? इस वाले हिस्से पे मिलेगा आपका। नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे तीन तरीके के होते हैं, इनके नाम चाहे याद हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं, इतना एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। बस सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। ये एक तरीके के ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स मतलब एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन, ऐसी मस्कुलर चीज़ जो क्या प्रोड्यूस करता है, जो कोई भी लिक्विड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस जूस या लिक्विड, उन्हें क्या कहते हैं हम? ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ग्लैंड कहते हैं। तो हमारे पास तीन सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, एक पैरोटिड ग्लैंड जो यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, दूसरे होते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड जो आपकी जीभ के जस्ट नीचे पाया जाता है, सब लिंगुअल, ठीक है, और तीसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, यहाँ पे पाया जाता है इधर, ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, यह दिखेंगे नहीं, मसल्स के अंदर है, पर काम क्या करते हैं ये तीनों? सलाइवा हमारे माउथ में सिक्रिएट करते हैं, सिक्रिएट मतलब रिलीज करते हैं। अब ये सलाइवा जरूरी क्यों है? देखो सलाइवा में दरअसल क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है जिसे सिंपल अमाइलेज कह लो या फिर सलाइवरी अमाइलेज कह लो। मैं रिपीट करता हूँ, एंजाइम। एंजाइम क्या होता है सबसे पहले तो समझो, एंजाइम एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन को बहुत जल्दी कर देता है। जैसे तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें कैटलिस्ट पढ़ा है, यहाँ पे एंजाइम वो काम कर रहा है, ठीक है, डाइजेशन के प्रोसेस को जल्दी जल्दी करने का काम किसका है? तो वो एंजाइम हेल्प करता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है। तो सलाइवा में हमारे एक एंजाइम पाया जाता है जिसे सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे फूड में जो स्टार्च मिलता है ना, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, ठीक है, उस कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है ये, शुगर में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेज। मैं एक बात और कह दूं, कुछ और अच्छी किताब पढ़ोगे या और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, सलाइवरी अमाइलेज की जगह एक और नाम मिलेगा, टाइलिन, पी साइलेंट होता है टाइलिन, तीनों एक ही चीज के नाम है, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन। काम क्या है, बस ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है, क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और हमारे फूड को गीला कर देता है, वेट कर देता है, स्लिमी करता है, फिसलने वाला कर देता है, जिससे कि हमारा फूड फिसलते हुए जल्दी से नीचे आ जाए, ठीक है। आगे फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स दरअसल वो वाला पार्ट है जिसे हम फूड पाइप कहें, या फिर बोला जाए फेरिंग्स वो पार्ट है गले का जहां से फूड पाइप स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जो हमारी टंग है वो हमारे फेरिंग्स को टच करती है, जहां से हमारा एक ट्यूब जैसा मस्कुलर ट्यूब स्टार्ट होता है, जिसे फूड पाइप कह लो या फिर कह लो ईसोफेगस। ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा ईसोफेगस है, ठीक है। ईसोफेगस कैसे काम करता है, आप लोगों ने देखा होगा सांप को कभी वीडियो में देखा होगा, जो स्नेक है वो क्या करता है, जब किसी को खाता है तो एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, पतला होता जाता है, और पीछे इसकी तरफ से फैलता जाता है, बड़ा होता जाता है, जिससे जो फूड है वो पूरे में नीचे की तरफ या पीछे की तरफ आता जाए। देखा है ना, एक तरफ से पतला होता जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और पीछे से क्या होता है, एक्सपेंड होता जाता है, जिससे फूड नीचे आ जाए। सेम बिल्कुल कंसेप्ट किसका है, आपके फूड पाइप या ईसोफेगस का है। ईसोफेगस आगे की तरफ से एक्सपेंड होगा और पीछे की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होगा, पतला होता जाएगा, जिससे कि फूड को नीचे की तरफ धक्का दे और फूड नीचे आने लगे। इसी मूवमेंट को, इसी वेव जैसे एक्शन को, वेव जैसे एक्शन हो गया ना, वेव की तरफ आगे मूव करता जाएगा, तो इसी वेव जैसे एक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस एक्शन को बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट या सिंपल पेरिस्टेल्सिस, ठीक है। पेरिस्टेल्सिस क्या है, ये वो मूवमेंट है जिसके द्वारा जो फूड हमारा जो ईसोफेगस है वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक वेव जैसा जो मूवमेंट निकलता है उसे बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। नेक्स्ट
अब ये जो फूड है ये ईसोफेगस से होते हुए कहाँ आया, आपके पेट में आ गया। उससे पहले एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा पूछता हूँ उस पार्ट में, कि ईसोफेगस में ना हमारा फूड है वो सिर्फ ऊपर से नीचे जाता है, ठीक है, नीचे से ऊपर नहीं आसानी से आ पाता। या फिर मैं इसे इस तरीके से और समझाता हूँ, ईश्वर ने हमें ईसोफेगस ऐसा क्यों दिया, सिंपल बड़ा सा पाइप क्यों नहीं दे दिया, मोटा सा, तुरंत खाना खाते नीचे गिर जाता, ऐसा क्यों नहीं दिया? उसके बारे में क्लास ओवर होने के बाद कमेंट में बताना, जिससे कि मैं देख पाऊँ और रिप्लाई कर पाऊँ। अभी लाइव क्लास में भेजोगे तो मैं बाद में उसे देख नहीं पाऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन फिर से सुन लो, भगवान ने हमें काफी बड़ा सा पाइप क्यों नहीं दिया, फूड पाइप, जिसमें फूड तुरंत नीचे गिर जाता, ठीक है? ऐसा पतला सा पाइप क्यों दिया जिसमें फूड धीरे धीरे खिसक खिसक के नीचे आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टमक, स्टमक क्या होता है? जे शेप का थिक वॉल्ड ऑर्गन होता है जो हमारे एब्डोमन, पेट वाले हिस्से के लेफ्ट हैंड साइड में पाया जाता है, ठीक है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, अभी आपका लेफ्ट है, ठीक है? आगे जो हमारे स्टमक होता है उसकी वॉल क्या करती है, उसकी वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड दरअसल डाइजेस्टिव या गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट कर आपके रिलीज करते हैं। इसे इजी लैंग्वेज में बताऊं, हमारा जो पेट होता है उसकी वॉल कुछ जूसेस सीक्रेट करती है, रिलीज करती है, जिन्हें क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं। इनमें तीन तरीके की चीजें आती हैं। सबसे पहला HCL, ठीक है, हमारे पेट की जो वॉल्स हैं वो HCL रिलीज करती हैं, ठीक है। HCL का क्या काम है? सबसे पहला, अगर हमारा फूड में जम्स हैं, खाने में जम्स हैं, तो उसे तुरंत किल कर देना, जितना हो पाए वो खुद ही किल कर लेता है। तभी तो हम बाहर की फालतू चीजें खाते रहते हैं लेकिन तुरंत बीमार नहीं पड़ते, क्यों? क्योंकि मोस्टली जो जम्स होते हैं उसे HCL किल कर देता। दूसरा, हमारे फूड का जो मीडियम है उसे कैसा करना, एसिडिक करना। हमारा फूड बेसिक बिल्कुल न्यूट्रल होगा, नॉर्मल फूड कैसा होगा, न्यूट्रल पीएच होगा इसका, तो उस पीएच को क्या कर देना, एसिडिक कर देना। एसिडिक इसलिए क्योंकि जितने भी ये जो जूसेस हैं आपके, पेप्सिन है, वो क्या कर पाते हैं, एसिडिक मीडियम में जल्दी जल्दी काम करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, जो आपके पेप्सिन है ना वो एसिडिक मीडियम में जल्दी काम करती है, तो इसलिए HCL उस खाने को एसिडिक बना देता है। अब एसिडिक बना दिया तो जो पेट की वॉल ने, स्टमक की वॉल ने पेप्सिन रिलीज किया, वो पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करती है। पार्शियल मतलब थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट कर देती है, बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाती है, पार्शली करती है। तीसरी चीज हमारा स्टमक जो रिलीज करता है वो क्या होता है, म्यूकस। आपने सुना होगा म्यूकस, कफ बोलते हैं। दरअसल ये क्या होता है, कफ या म्यूकस जो होता है वो एक तरीके की प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। तो म्यूकस क्या करता है, ध्यान से सुनेंगे और डायग्राम में देखेंगे, म्यूकस एक लेयर बना लेता है स्टमक की वॉल के ऊपर, पेट की वॉल के ऊपर एक लेयर बना लेता है, कौन, म्यूकस। उससे होता क्या है, उससे होता ही है, ये जो HCL हमारे पेट में है वो हमारी हमारे स्टमक की वॉल को क्या ना कर पाए, इफेक्ट ना कर पाए, कहीं ऐसा ना करे। HCL पता ही आपको कितना स्ट्रांग एसिड होता है, हमारे कहीं पेट की, हमारे पेट की वॉल को नहीं कहीं खा जाए, कोरल से होता है नेचर में, कला ना दे। इसलिए म्यूकस क्या करता है, इस वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्टमक की वॉल काफी थिक होती है, ठीक है। आगे, अब हमारा जो फूड है वो स्टमक से होते हुए कहाँ गया, ये जो आपको दिख रही है ये वाला ग्रीन और ब्लू पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है, 7.5 मीटर का, NCERT में दे रखा है। अगर आप किसी और किताब वेस्टर्न से पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा 6 मीटर, ये वेरी कर जाता है, इसलिए NCERT को ही हम क्या मानेंगे, जनरल सोर्स मानेंगे, ठीक है। हाँ, अब समझ में आ गया ना हम HCL क्यों नहीं पी पाते, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमारा शरीर जो HCL रिलीज करता है उसका pH 2.5 से 3.5 के आसपास होता है, लेकिन बाहर जो HCL मिलेगा, जैसे टॉयलेट क्लीनर होता है, उसमें pH बहुत कम होता है, वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि तुरंत बॉडी को चला देगा। प्लस ये जो म्यूकस था वो सिर्फ पेट की लेयर पे ही तो पाया गया था, जो हमारा म्यूकस रिलीज हुआ है वो सिर्फ किसे प्रोटेक्ट कर रहा है, स्टमक को, लेकिन बाकी गले वगैरह को कौन प्रोटेक्ट करेगा, कोई नहीं, तो तुरंत जला देगा हमारे बाकी ऑर्गन्स को, ठीक है। आगे,
अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों के सामने ये आता है, फिर यार इतनी लंबी है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? तो दरअसल इसका क्रॉस सेक्शन छोटा होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई इसकी कम होती है, लंबी तो बहुत होती है लेकिन मोटाई कम होती है। इस मोटापे पे इसके क्रॉस सेक्शन की वजह से हमने इसे क्या बोला गया है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दिया गया, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जगह से क्या आते हैं, सिक्रीशन आते हैं। सिक्रीशन मतलब दो जगह से जूसेज आते हैं, एक तो लिवर जूस डालता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, और सबसे बोला जाए बच्चों को जो, हाँ नहीं म्यूकस रिएक्ट नहीं करता है एससीएल से, बट कभी कभी शरीर ज़्यादा एससीएल प्रोड्यूस करता है तो एसिडिटी हो जाती है, ईसोफेगस के होते हुए बाहर तक आ जाता है, तो छाले हो जाते हैं कुछ लोगों के, आपने सुना होगा पेट में छाले पड़ गए, क्यों? इतना एचसीएल प्रोड्यूस हुआ कि म्यूकस बचा ही नहीं पाया उसे। आगे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है हमारे, है ना, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है क्योंकि नए नए वर्ड्स पहली बार पढ़ोगे, इन चीज़ों को दो तीन बार खुद से लिख के प्रैक्टिस करना सारी चीजें आसान होगी, ठीक है। और मैं जैसे आपको पढ़ाता हूँ, किसी दोस्त को पकड़ना या दीवाल को या छोटे भाई बहन को और उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देना, दो तीन बार में याद हो जाएगा। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जगह से लिक्विड्स या सिक्रेशंस आते हैं, पहला लिवर से आता है, दूसरा पेनक्रियास से आता है, और साथ के साथ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी कुछ जूसेस निकालती है अपने अंदर से, जिसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई, एक तो लिवर एक जूस दे रहा है इंटेस्टाइन को, दूसरा पेनक्रियाज भी कोई जूस दे रहा है इंटेस्टाइन को, तीसरा इंटेस्टाइन खुद भी जूस आपका प्रोड्यूस कर रही है। ये तीनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, मेन पार्ट डाइजेशन का यही होता है, जो मेन डाइजेशन है वो यही होता है। तो लिवर से पढ़ते हैं, लिवर क्या है, एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, ये जो आपको दिख रहा है रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, ठीक है। ये बॉडी के अंदर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, मैंने कई बार ये क्वेश्चन स्कूल में पूछा भी है, लार्जेस्ट ग्लैंड इनसाइड द बॉडी क्या है, लिवर, और आउटसाइड द बॉडी बताना जरा आप लोग, वैसे मैंने लिख ही दिया था आंसर क्या है, स्किन। आउटसाइड द बॉडी कौन सा ग्लैंड होता है सबसे ज्यादा, आपका स्किन। अब जो हमारा लिवर है वो कौन सा जूस सिक्रिएट करता है या रिलीज करता है, उस जूस का नाम है बाइल जूस। और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। और बाइल जूस जो होता है ना वो एल्कलाइन होता है, अब आपने केमिस्ट्री इतनी पढ़ ली है तो आपको पता होगा एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक नेचर होता है इसका, ठीक है। अब खुद सोचो यार, जो पेट से जो खाना आ रहा था ना वो कैसा था, एसिडिक था, उस खाने को न्यूट्रल भी तो करना है, तो इसीलिए जो आपका बाइल जूस होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, जिससे कि ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं और हमारा फूड न्यूट्रल हो जाता है। बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस का मेन वर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, फैट्स का मतलब लिपिड्स, ठीक है। तो जो हमारा बाइल जूस होता है वो हमारे पेट में जो चिकनाई फैट्स प्रेजेंट होता है उस फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और इसके अलावा और भी कई काम है, सबसे पहला तो क्या था काम था, वही मैंने बताया फिर से, हमारे स्टमक को से जो फूड आ रहा है, हमारे स्टमक से जो फूड आ रहा है उसको क्या करना, न्यूट्रल करना या एल्कलाइन करना, बेसिक करना, क्योंकि वो फूड कैसा था, एसिडिक था, जिससे कि आगे जाके जो पेनक्रियास से जूस आएंगे वो पेनक्रियास वाले जूस इस पर काम कर पाए। दूसरा क्या काम होता है, हमारे फूड में जो फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिग मॉलिक्यूल जो होते हैं फैट के, उन्हें तोड़ तोड़ के क्या करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, कौन करता है ये काम, कौन करता है, बाइल जूस, ये याद रखना है आपको, बाइल जूस। आगे इसके बाद पेनक्रियास के बारे में पढ़ते हैं, पेनक्रियास कहाँ पाया जाता है, हमारे स्टमक के जस्ट नीचे पाया जाता है या लिवर के जस्ट नीचे, आपको दिखाते हैं पिछले वाले डायग्राम में, यह आपका स्टमक है, ये वाला पार्ट है जो रेड कलर से, ये और इसके जस्ट इधर पार्ट मिलेगा पीछे की तरफ, क्या मिलेगा आपका, पैनक्रियास। मैं अभी आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा इस पूरी की, ठीक है, तब तो आप और अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे, और फिर इस सेशन को दोबारा 2x पर देखना, रिवाइज सारा हो जाएगा, पर आज नहीं किसी और दिन। तो पैनक्रियास कहाँ पाया जाता है, जस्ट स्टमक के नीचे, ये क्या सिक्रेट करता है, सिक्रेट मतलब रिलीज करता है, ये रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस,
पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन से होते हैं? तीन तरीके के जूसेस होते हैं। पहला है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लाइपेज। अब यही पार्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, यार याद नहीं होते सर। इसका एक ही लॉजिक है, मैंने भी ऐसे ही याद किया था अपने टाइम में भी और तुम्हें पढ़ाने के लिए भी। तीन चार बार पेपर पर लिख के देखा पूरा प्रोसेस, बुक को देख देख के या नोट्स को देख देख के, और सारा आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो हमारा जो पैनक्रियाज होते हैं या पैनक्रिया जो होता है वो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। तीन तरीके के जूस होते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज। इसका काम क्या है, ये जो स्टार्च थी याद है आप लोगों को, हमारे माउथ में जो सलाइवा था उसने स्टार्च को तोड़ना चालू कर दिया था, किसमें, शुगर में। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज ने क्या करना स्टार्ट किया था, स्टार्च को शुगर में तोड़ना चालू कर दिया था, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। वो काम पैनक्रियाटिक जो अमाइलेज है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, स्टार्च को तोड़ना स्टार्ट करता है और अच्छे से तोड़ता है। आगे ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और लाइपेज क्या करता है, ये जो फैट होता है जो आपने देखा था छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, बाइल जूस ने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट किए थे फैट के, इन फैट के छोटे मॉलिक्यूल्स को और ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और ज़्यादा ब्रेक डाउन करता है, कौन ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेलो मैम, आगे इंटेस्टाइनल जूसेस के बारे में बात करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, लिवर से कौन से जूसेस आए, ठीक है, बाइल जूस। फिर हमने पढ़ा पेनक्रियास से जूसेस आए, तीन तरीके के जूस आए, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा लाइपेज, तीसरा ट्रिप्सिन। अब इंटेस्टाइन जो जूस निकालता है उसका कुछ स्पेशल नाम नहीं है आपकी क्लास में, तो उसके लिए सिर्फ नाम इतना ही है कि इंटेस्टाइनल जूस। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर, उस इंटेस्टाइन के अंदर कई सारे जो जूस सिक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं। वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टार्च, उसको ग्लूकोज में या फिर शॉर्ट में बोला जाए शुगर में कन्वर्ट करते हैं। फिर क्या करता है वो, फैट के जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, स्मॉल मॉलिक्यूल जो थे फैट के, उनको क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ये याद करना पड़ेगा लिख लिख के। और तीसरा प्रोटीन को क्या करता है, अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है। आप लोगों ने सेल चैप्टर जब पढ़ा था मेरे से तब याद होगा आपको, मैंने बताया था अमीनो एसिड्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आर बॉडी। ठीक है, प्रोटीन इसी से बनती है, तो इस प्रोटीन को वापस से किस में तोड़ दिया गया, अमीनो एसिड में तोड़ दिया गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एक जल्दी से शॉर्ट रिविजन कराता हूँ। सबसे पहले फूड गया माउथ में, ठीक है, हेलो अपनी, माउथ के बाद फूड कहाँ गया आपके, ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद फूड गया आपके स्टमक में। स्टमक के बाद फूड अब तक आया है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ में क्या प्रेजेंट था, सलाइवा, जिसके अंदर पाया जाता है सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, ये करता है आपके स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट। ये शॉर्ट रिवीजन है। ईसोफेगस में हमने पढ़ा था पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के बारे में, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। स्टमक के अंदर तीन चीज पाई जाती थी आपको याद होगा, HCL की, दूसरा क्या पाया जाता है आपका, म्यूकस, और तीसरी चीज क्या थी बताओ जरा। HCL का काम क्या है, HCL का काम क्या था, फूड को एसिडिक मीडियम बनाना या एसिडिक मीडियम बनाना, और साथ के साथ क्या करना, साथ के साथ जम्स को किल करना, किल जम्स। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, दी लाइनिंग ऑफ या दी प्रोटेक्ट दी वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज क्या आती, क्या हुआ अभी तक किसी को पता नहीं, भूल गए, हाँ
मेरी तरह मत बनो यार, भूल गए तीसरी चीज क्या थी? एक HCL था, दूसरा म्यूकस था, तीसरा पेप्सिन। वेरी गुड, तीसरा था पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता था? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता था। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने तीन चीज पढ़ी। क्या पढ़ी तीन चीज, ध्यान से सुनना। हमने पढ़ा लिवर से जूस आता है, कौन सा जूस आता है? बाइल जूस। फिर हमने पढ़ा पेनक्रियास से जूस आता है, ठीक है? पेनक्रियास से कौन से जूस आते हैं? पेनक्रियास से हमारे तीन तरीके के जूस आते हैं। पहला है पेनक्रियाटिक पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है? और क्या है दूसरा है हमारा? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और तीसरा क्या है हमारा? लाइपेज। ये तीन थे। उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन क्या निकालती है? इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती है, ठीक है? इतना हमने अब तक पढ़ लिया। आखिरी पार्ट चल रहा है, खत्म होने वाला है सेशन आज का हमारा। लास्ट में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। इतना जो भी हमारे पेट ने, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने काम किया, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड था, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था, इसे किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? सिंपल फूड में कन्वर्ट किया। अब ये जो सिंपल फूड है वो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी में। और कैसे एब्जॉर्ब होगा? ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की इमेज है एक तरीके से। और ये आपको जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? आपने पढ़ रखा है विलाय। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विलाय। और हर विलाय के अंदर क्या होती है? खून बह रहा होता है, ब्लड वेसल्स होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। तो क्या होता है, आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाता हूँ। ये आपका विलाय है, इस विलाय के अंदर क्या है? ये जो ब्लड बह रहा है यहाँ से, तो जब फूड इसके पास आता है तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एंट्री ले लेते हैं और हमारे किस में चले जाते हैं? इस विलाय के थ्रू होते हुए ब्लड में चले जाते हैं। ये डायग्राम आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बस इतना याद होना चाहिए, ये हमारे विलायज होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इनके अंदर क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसकी वॉल के अंदर घुस जाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं? ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं, जहाँ से होते हुए पूरी बॉडी में फूड ट्रेवल करने लगता है, ठीक है? आगे तो विलाई क्या करती है? विलाई हमारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है और ब्लड तक पहुंचा देती है। अब ये फूड हमारी बॉडी के हर एक सेल पे जाएगा और सेल इस फूड को तोड़ के केमिकल रिएक्शन करके क्या निकालेगा? एनर्जी निकालेगा। इसके बाद जितनी भी फूड हमारा चला गया, वो तो चला गया, लेकिन वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो आपका कहाँ पहुँच जाता है? इस लार्ज इंटेस्टाइन में। यह आपका स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है? ये स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पहली बार में तुम याद रख सकते हो, ठीक है? क्या याद रख सकते हो? सबसे पहले ये वाला पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो इसलिए बोलते हैं इसे असेंडिंग कोलोन। कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। फिर ये स्ट्रेट वाला थोड़ा पार्ट है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। फिर नीचे फूड आता है डिसेंडिंग कोलोन। फिर ये कहलाता है सिग्मॉइडल कोलोन। और लास्ट में रेक्टम है, फिर रेक्टम के बाद एनस आएगा, ठीक है? लेकिन ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ये डायग्राम बस नॉलेज के लिए देख लो। आगे लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन फिर भी लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन बड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन काफी बड़ा होता है, ठीक है? तो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और इस अनडाइजेस्टेड फूड में, ध्यान से सुनना, ये जो फूड इस लार्ज इंटेस्टाइन में गया, इस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जितना भी वाटर या सॉल्ट होते हैं, जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, उन्हें तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बाकी इस खाने में से सारा पानी निकाल के, सॉल्ट निकाल के, इसे कैसा कन्वर्ट कर दिया जाता है? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस फूड को, ठीक है? इस अनडाइजेस्टेड फूड को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि ये एनस के थ्रू होते हुए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है? इस बॉडी से बाहर निकालने वाले प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं बायोलॉजी में,
एक्सक्रीशन कहते हैं। लेकिन जब ह्यूमंस इस बॉडी को इस बाहर निकालते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, डेफिकेशन कहते हैं। डेफिकेशन तुम्हें पता ही है, क्या करना, शौच करना जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, शौच करना। तो वो दरअसल क्या है, बायोलॉजी में एक्सक्रीशन प्रोसेस है, ह्यूमंस के लिए इसे डेफिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था ये जो जो सॉलिड वेस्ट है, ये जो सॉलिड वेस्ट है, इस सॉलिड वेस्ट को हम क्या कहते हैं, इस सॉलिड वेस्ट को हम फीकस कहते हैं, FECUS, फीकस कहते हैं। और एक और नाम से जाना जाता है इसे, स्टूल नाम से भी जाना जाता है डॉक्टर्स की भाषा में, ठीक है। तो ये था पूरा आपका आज का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब मुझे जल्दी से बताओ क्या ये सेशन समझ में आया, और अगर सेशन समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में, चैट में मुझे तुरंत बताओ। जानता हूँ आप लोगों के लिए भी टाइम ज़्यादा हो गया, कल जो क्लास रहेगी वो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए रहेगी, ठीक है। जो चैप्टर 1 था मैटर इन सराउंडिंग्स, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके चलिए, दुष्यंत भी, अरे वाह, दुष्यंत वाक पढ़ने आया है, वाकई वैसे ही आया है। ओके लक्षिता, दुष्यंत, रजत, थैंक यू भाई, संजना, कनक, कुमकुम, गुरलीन, यज्ञा, सर माय आंसर क्या है, क्या पूछा है इस लड़की ने। सर अगर हमारी बॉडी में HCl को रिलीज करती है तो हम HCl ऐसे ही क्यों नहीं पी सकते। मैंने बताया ना जो हम HCl पीते हैं, अच्छा एनिमल्स वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया मेरे से, एनिमल्स जैसे कि काऊ होते हैं वो अपना डाइजेशन कैसे करते हैं, वो अपना फूड स्टोर करके रखते हैं ना, स्टेप्स भी अलग होंगे। नहीं, स्टेप्स सारे यही रहते हैं, लेकिन उनके उनके मैं होता क्या है, ध्यान से सुनना। दरअसल जो ये काऊ होते हैं, इन सारे एनिमल्स को र्यूमिनेंट्स कहते हैं। और ये र्यूमिनेंट्स क्या करते हैं आपको पता है, ये र्यूमिनेंट्स ऐसा फूड खाते हैं जिस फूड में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। मैंने पढ़ाया है आपको ये, इस फूड में क्या होता है, इस फूड में सेल्यूलोज होता है। और मैंने बताया था आपको सेल्यूलोज जो होता है उसका डाइजेशन उतना आसान नहीं होता, उस डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो क्या करते हैं, पहले उस पहले जैसे ही फूड लिया, उसे जाते ही जैसे माउथ में गया, उनके माउथ में जाते ही थोड़ा थोड़ा उसे तोड़ लेते हैं, पार्शली क्या करते हैं, उस फूड को ब्रेक डाउन करने लगते हैं। और ब्रेक डाउन करने के बाद उनके गले के नीचे र्यूमन पार्ट होता है, क्या बोलता है, र्यूमन, एक बैग जैसा सैक होता है, सैक मतलब एक थैला जैसा होता है जिसमें उसे डाल देते हैं उस खाने को। उस सैक के अंदर क्या होते हैं, कई सारे जूसेस होते हैं, एंजाइम होते हैं। ये जूसेस क्या करते हैं, जो ये सेलुलोज होता है ना इस फूड के अंदर, उस सेलुलोज को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं। तो कई घंटे तक ये फूड उस र्यूमन में पड़ा रहता है, जिससे कि ये जो सेलुलोज है वो क्या हो जाए, ये सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, ये सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाए। जैसे ये सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो इस गले के नीचे जो र्यूमन है उस फूड को दोबारा माउथ में लेके आते हैं, और फिर दोबारा और ज़्यादा क्या करते हैं, चबाने लगते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, और उसके बाद फिर उसे स्टमक में लेके जाते हैं, ठीक है। तो बस एक ही स्टेप बढ़ता है, खाना लिया, थोड़ा सा चबाया, र्यूमन में स्टोर किया, और फिर दोबारा से उस र्यूमन से बाहर निकाला और चबाया और पेट में भेज दिया, ठीक है। हाँ, विंड पाइप को हम ट्रैकिया कहते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी कहते हैं, और एक नाम से और जानते हैं इसे, लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा हो ये सेशन। नेक्स्ट क्लास स्मॉल इंटेस्टाइन में, रुको देख के बताता हूँ ऐसा कहाँ था। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा कुछ पार्ट नहीं होता, बस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, वो हमें इस क्लास में पढ़ने नहीं है, लेकिन जानना चाहो तो जान लो, स्मॉल इंटेस्टाइन में को 3 हिस्सों में तोड़ा गया है। सबसे पहला पार्ट जो आपके स्टमक से जुड़ा होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इस ब्लू वाले पार्ट को क्या बोलते हैं आप लोग, डुओडेनम, ठीक है, ये वाला छोटा सा पार्ट जो है ये कहलाता है डुओडेनम, जो स्टमक से जुड़ा होता है। बीच में जो हिस्सा आता है इसे बोलते हैं जेजुनम, इसकी प्रोनंसिएशन है जेजुनम। और लास्ट का जो पार्ट है ग्रीन कलर का, इसे क्या कहते हैं, ईलियम। तीनों में बस यही डाइजेशन होता है, थोड़ा डाइजेशन कहाँ हो जाता है, स्टार्टिंग में होता है। दरअसल डुओडेनम में, एक्स्ट्रा के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा,
जितना भी पैनक्रियास से और लिवर से जूसेस आते हैं वो इस डुओडेनम में आते हैं, फिर डाइजेशन स्टार्ट होता है जेजुनम में, फिर कंप्लीट होता है ईलियम में। तो ये तीन पार्ट होते हैं। लेटेक्स वगैरह तो रबर जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लैक्टेल पता नहीं क्या है, मैं कमेंट में बता दूंगा बाद में आपको। चलिए ठीक है गुरलीन, इसका आंसर मैं आपको आपको कमेंट में दे दूंगा। चलो गुड नाइट टू एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, पर कल क्लास क्लास 9th वालों के लिए होगी इसी टाइम पे। बाय बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट।